Anurahim, today we are going to talk on anemia. आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है अनीमिया. जैसे आप लोग जानते हैं जो एनेमिक एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो या तो आरबीसी काउंट में कमी की वजह से होते हैं या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होते हैं या फिर हीमोटोक्रिट वैल्यूज जो हैं वो कम होते हैं तो उसको हम एनेमिक एनिमल्स या एनेमिक ह्यूमन बीइंग बोलते हैं. उसकी वजह ये होती है कि वो जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो ब्लड है वो कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो बहुत ही कम हो जाती है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन टिश्यूज को चाहिए वो पूरी मिल नहीं पाती है. तो एनीमिया इज अ डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट हीमोग्लोबिन हीमोटोक्रिट वैल्यूज रिजल्टिंग इन लोअरिंग एबिलिटी फॉर द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज. एनीमिया इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस lack of blood. That's anemia is a decrease in the number of red blood cells or less than the normal quantity of hemoglobin in the blood. So whenever there is a decrease in the RBCs, hemoglobin or hematocrit values or level, that is decreasing or diminishing the carrying capacity of the oxygen, which leads towards the hypoxia or hypoxia induced effect on organ function, whereas the signs or symptoms of anemia develops. Mostly, if you see that the normal values in the main is 13 grams per day, whereas the normal values of the woman is 12 grams per day. And the pregnant woman has 11 grams per day. And the infants from 2 to 6 months of age having a 9.5 grams per day. Whereas the children from 6 months to 24 months, they carry 10.5 grams per day. And the 2 years to 11 years, it carries the values of hemoglobin 11.5 grams per day. And the children from 12 years, they carry the blood from 12 grams per day. So it means that the person which is the adult, which is lower than 12 years of age, it carries, whether it's a mean, whether it's a female or a male, it has a 12 grams per day, the hemoglobin value. Mostly the anemia is classified on the basis of a cause or on the basis of the morphology of the cell, blood cell, especially the RBC cell. So the blood loss may lead towards the anemia. The anemia develops due to inadequate production of the normal blood cells or excessive destruction of the blood cells. So these are the three classes or three bases by which the anemia is classified. Whereas on the basis of a morphology, the cells of a normocytic condition or a microcytic morphology are having a macrocytic morphology. Matlab ke normal size ke cell ke saath bhi anemia ho sakti hai. छोटे बिल्कुल नॉर्मल साइज से छोटे से आरबीसी के साथ भी एनीमिया हो सकती है और एनीमिया बड़े साइज के सेल्स के होते हुए भी हो सकती है. इन कंडीशंस में, इन तीनों कंडीशंस में, नॉर्मोसाइटिक कंडीशन में, माइक्रोसाइटिक कंडीशन में और मैक्रोसाइटिक कंडीशन में, इन मार्फोलॉजीज में जो एनीमिया होगी वो नॉर्मोक्रोमिक होगी या फिर हाइपोक्रोमिक होगी या फिर वो हाइपरक्रोमिक होगी. अगेन इट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द सेल.
the types of anemia based on a clinical picture. ये क्लिनिकल पिक्चर के बुनियाद पे भी हम एनीमिया को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, थैलेसीमिया एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया. मतलब हम जैसे कहते हैं कि एनीमिया तीन बेसिस पे हो सकती है, कि डिस्ट्रक्शन की वजह से, ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, या फिर जो है कम प्रोडक्शन की वजह से एनीमिया हो सकती है. तो आयरन डेफिशिएंसी में अगर एनीमिया हो ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन हो, तो मोस्टली जैसे औरतों में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन पीरियड है जो आता है, तो उसमें या ग्रोइंग फीटस होता है प्रेग्नेंट ह्यूमन में या एनिमल्स में, प्रेग्नेंट फीमेल में अगर वो फीटस ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से एनीमिया काज हो सकता है. मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ बी 12 और फोलिक एसिड, या फिर रेड बोन मेरो जो है ना प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी लाइक अ कैंसर ड्रग्स अगर कोई ले रहा है, तो उसमें ये हो सकता है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो, जिसमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, या हम इंटेक जो है ना बी 12 की या फोलिक एसिड की कम लेते हैं, तो उसमें ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होती है, या फिर हम ऐसी दवाइयाँ जो कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं, तो उसमें भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होती है. पर्निशियस एनीमिया जो वो ये है कि अगर हमारा मादर विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं करता, इंटेस्टाइन विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं करते, इंटेक तो प्रॉपर है लेकिन वो विटामिन बी 12 की इंटेक एबिलिटी नहीं है स्टमक में कि उसे एब्जॉर्ब करे, तब भी पर्निशियस एनीमिया काज होगी, वो भी विटामिन बी 12 की कमी की वजह से एनीमिया होगी, लेकिन ये इंटेक की वजह से नहीं है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, सर्जिकल ऑपरेशन करवाया हुआ है इंटेस्टाइन का, स्टमक में कैंसर है, तो इन कंडीशंस में बी 12 एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो दैट में लीड टूवर्ड्स पर्निशियस एनीमिया. हीमोरेजिक एनीमिया ये एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी थ्रू अ ब्लीडिंग स्टमक अल्सर मैच्योरेशन में लीड टूवर्ड्स हीमोरेजिक एनीमिया, मतलब खून ज़्यादा बह गया है और आरबीसी जो है की कमी हो गई है, तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगी तो उसे हीमोरेजिक एनीमिया काज कहेंगे. हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो रप्चर हो रही है, मे बी ड्यू टू अ पैरासाइट टॉक्सिन्स एंटीबॉडीज, तो कोई भी आप ऐसी दवाई ले रहे हो जिससे आरबीसी डिस्टर्ब हो रहा है, या ऐसे पैरासाइट्स हैं जो हीमोलाइसिस काज कर रहे हैं या आरबीसी को तोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऐसी एनीमिया को हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं. थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ऐसी कंडीशन है एनीमिया की जिसमें सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन वो प्रॉपर नहीं होती है, और मोस्टली जो मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन है जो सी के साथ में रहते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा पाई जाती है. सिकल सेल एनीमिया ये हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं एबनॉर्मल रिजिड या सिकल शेप के बनते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होती है, और इसका मतलब है कि एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली सेल्स जब आरबीसी से डेवलप हों, और वो हेरिडिटरी बुनियादी पे भी होता है, तो ये डिसऑर्डर मोस्टली जो है ना हेरिडिटरी बुनियादी पर डेवलप होता है, कि जो सेल बनते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, रिजिड होते हैं, सिकल शेप के होते हैं, वो कैरिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लूज करते हैं, नहीं उठा पाते जो हमें बॉडी को सप्लाई करनी होती है ऑक्सीजन. एप्लास्टिक एनीमिया डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मेरो, बोन मेरो जो है ना डिस्ट्रक्शन काज कर रही है, या फिर जो है टॉक्सिन्स की वजह से, या गामा रेडिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यू टू अ ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर, तो इसमें भी जो है एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप होती है. जैसे कि मैंने कहा कि
तीन टाइप की जो क्लासिफिकेशन है कि भाई ब्लड जो है वो नॉर्मोसाइटिक है, मतलब सेल नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मोक्रोमिक भी है, मतलब सेल का जो कलर है वो भी नॉर्मल है, लेकिन एनीमिया डेवलप करता है, डिजीज होती है ड्यू टू हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब एनीमिया ऐसी जैसे हीमोरेज काज हो गया, अक्यूट हीमोरेज हो गई, एनीमिया प्लास्टिक एनीमिया काज हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे डिसअपियरेंस ऑफ आरबीसी प्रीकर्सर्स बोन मैरो जो हैं वो ब्लड नहीं बना रहे हैं, या ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन एमसीवी या एमसीएचसी नॉर्मल है, वॉल्यूम नॉर्मल है और फिर कंसंट्रेशन नॉर्मल है कॉर्पसल्स की, लेकिन फिर भी अनीमिया है। तो अनीमिया ऐसी जिसमें हर चीज़ नॉर्मल तो नज़र आए लेकिन बंदा फिर भी एनेमिक हो, तो वो इस वजह से होगा। तो या तो आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या फिर उसके अलावा जो है वो अकीट हीमरेज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ब्लड की कमी है लेकिन सेल नॉर्मल साइज के हैं, सेल का कलर नॉर्मल है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो लूज है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो लूज या डिस्ट्रक्शन होती है कंटिन्यूस, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। हाइपोक्रोमिक या माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब एक तो कलर डाउन है और दूसरा साइज भी छोटी है सेल्स की, तो उसमें लो एमसीएचसी मतलब कॉर्पसल्स जो है वो सेल्स की वो कंसंट्रेशन जो है ना लो आएगी, और जो सेल की वॉल्यूम है वो भी लो आएगी, और ऐसी कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आती है, कैलिसीमिया आता है, या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ऐसी एनीमिया जो क्रॉनिक डिजीज की वजह से हो, तो उसमें हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मॉर्फोलॉजिकली सेल छोटे होंगे, सेल जो है कम वॉल्यूम में होंगे। नॉर्मोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक कलर नॉर्मल है लेकिन सेल बड़े हैं, तो उसमें नॉर्मल एमसीएचसी आएगी लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, तो दैट माइट बी ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी12 और फोलेट एसिड। तो इसलिए अगर आप इसमें देखें कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया में माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी होती है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया भी होती है, और एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी होती है, इसका मतलब है कि कलर अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो वो माइक्रोसाइटिक बड़े सेल्स की वजह से भी हो सकता है, सेल नॉर्मल हो उसमें भी हो सकता है, या सेल छोटे हो उसमें भी होता हो सकता है, लेकिन तीनों कंडीशन में हाइपोक्रोमिक हाइपरक्रोमिक जो सेल्स में तीनों कंडीशन में एनीमिया हो सकता है, नॉर्मोक्रोमिक में भी तीनों कंडीशन में, मैक्रोसाइटिक कंडीशन, नॉर्मोसाइटिक कंडीशन और माइक्रोसाइटिक कंडीशन में एनीमिया डेवलप हो सकता है। हाइपोक्रोमिक के साथ भी एनीमिया हो सकता है, वो माइक्रोसाइटिक हो, नॉर्मोसाइटिक हो, या माइक्रोसाइटिक हो मॉर्फोलॉजिकली, तो इन तीनों कंडीशन एनीमिया हो सकता है। सिम्टम्स जो है कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, जो बंदा है वो आसानी से जल्दी से फटीग हो जाएगा, थक जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी, यूजुअली रैपिड हार्ट बीट होगा उसमें, पर्टिकुलरली वो था एक्सरसाइज कर रहा है जब, तो उस वक्त उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद होगी, और सांसें बिल्कुल ही कम लेगा, उसे हेडेक होगा, और पर्टिकुलरली वो था एक्सरसाइज जब करेगा उस वक्त उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होगी, ब्रीद शॉर्टनेस होगी, और सर में दर्द होगा जब वो एक्सरसाइज करेगा, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, वो कंसंट्रेट कर नहीं पाएगा, डेजीनेस होगी, स्किन पेल होगा, लेग में क्रैम्प्स पड़ेंगे, एसोमिनिया का वो पेशेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये सिम्टम्स हैं एनीमिया के, लेकिन एनीमिया काज बाय आयरन डेफिशिएंसी, द पीपल्स विद आयरन डेफिशिएंसी में एक्सपीरियंस दीज सिम्टम्स
उन्हें हंगर लग सकती है, भूख लग सकती है, या फिर फॉर स्ट्रेंज सबस्टेंसेस वो पेपर खाएंगे, आइस खाएंगे, डर्ट खाएंगे, या फिर उनको पिका की आदत होगी, कपड़ा खाने की, रस्सी खाने की, ऐसी चीजें खाएंगे जो खाई नहीं जाती हैं उमूमन नॉर्मली, जैसे उसके नेल्स खाने की आदत पड़े, पेपर खाने की आदत पड़े, बर्फ खाने की आदत पड़े, मेट खाने की आदत पड़े, मट्टी खाने की आदत पड़े, या नेल्स जो है ना चबाने की आदत पड़े, नेल जो है ना उनके पालोनाइकेसिस मुड़ जाते हैं और फिर सोरनेस होती है माउथ में और क्रैक्स होते हैं कॉर्नर्स पे, तो माउथ में जो साइड्स होती हैं वो क्रैक करती हैं, पेन करती हैं, एनीमिया कॉज बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी, पीपल्स विद एनीमिया ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ ए विटामिन B12 मे हैव अ पिंस एंड नीडल सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट, पाँव में ऐसे और हाथों में ऐसे लगेगा जैसे सुइयां चुभ रही हैं, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच, वो उसको कुछ भी टच करो महसूस नहीं होता, और वॉम्बली गैबलिंग, वॉम्बली गैट एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जब वो चलता है तो लड़खड़ाता है, गिरता है और उसे बहुत ही डिफिकल्टी होती है चलने में, तो ये भी एनीमिया का विटामिन B12 डेफिशिएंसी का रीजन हो सकता है। क्लम्सीनेस, स्टिफनेस ऑफ योर आर्म, उसकी जो हाथ हैं, बाजू हैं या फिर टांगे हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, और फिर डिमेंशिया होता है उसे, हेलोसिनेशन होती है, पिरोनिया होता है, शाइजोफ्रेनिया होता है, उसे ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, ख्वाब आते हैं जो नॉर्मली बंदा नहीं देखता, और उसके साइंस जो है एनीमिया के, ब्रिटल नेल्स होंगे और कोलोनेफेजिया होगा, स्पून शेप नेल्स होंगे, एट्रॉफी ऑफ ए पेपिली ऑफ द ट्रंक होगी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, ब्रिटल हेयर होंगे, डिस्पेप्सिया होगा, ग्लाइसाइटिस होगा, प्लम्बर विजन होगा, और केली जो है ना पिस्टन होगी, ये एक एनीमिया की सिम्टम है। जैसे कि सिम्टम्स एनीमिया है कि रेड होगा ज़्यादा, तो इन सीवियर एनीमिया वो रेडनेस होगी, आई रेड्स होंगी, येलोइंग होंगी आईज, अच्छा सेंट्रल जो है ना वो फटीग होगा, सेंट्रल सिस्टम, और फेंटिंग होगी, डेजीनेस होगी, और ब्लड वेजल्स जो है वो लो ब्लड प्रेशर डेवलप करेंगी, हार्ट जो है ना पेल्पिटेशन काज करेगा, रैपिड हार्ट रेट होगा, चेस्ट में पेन होगा, एंजाइना डेवलप होगी, हार्ट अटैक हो सकता है ना सीवियर एनीमिया, तो स्प्लीन इनलार्जमेंट होगी, या फिर आई जो है ना येलो होंगी, स्किन जो है ना पेलनेस और फोल्डनेस होगी, येलोइंग होगी, रेस्पिरेटरी रेट जो है ना शॉर्टनिंग होगा, ब्रीथ जो है ना बहुत ही कम लेगा, मस्कुलर जो है ना वीकनेस होगी, और इंटेस्टाइनल जो स्टूल है उसका वो कलर चेंज होगा, और इन्वेस्टिगेशन के लिए हम देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन अगर करें तो उसमें वॉल्यूम पैक सेल जो है या हीमोटोक्रिट बताएगा कि एनीमिया है कि नहीं, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बताएगी कि एनीमिया है कि नहीं, रेड सेल कंसंट्रेशन बताएगी पर यूनिट वॉल्यूम कि एनीमिया है कि नहीं। क्वालिटेटिव जो पैरामीटर्स हैं कि हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम देखेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन देखेंगे, या मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखेंगे, जिससे हम क्वालिटेटिवली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे एनीमिया है कि नहीं। हीमोटोक्रिट जो है पैक्सेल वॉल्यूम, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लड सैंपल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय RBCs, 42-52 मेन में होगा, 36-48 वुमेन में होगी ये परसेंटेज हीमोटोक्रिट की, जबकि सेल वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है उसका अमाउंट जो है 12-16 ग्राम पर डेल होगा, जबकि मेन की जो है वो 14-17 ग्राम पर डेल होगी। रेड सेल जो काउंट होगी, टोटल आरबीसी काउंट जो होगी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका 4.2-5.2 × 10⁶ पर मिली क्यूबिक होगा, जबकि वुमन में 3.5-5×10⁶ मिली क्यूबिक जो है उसकी कंसंट्रेशन पाई जाएगी रेड सेल काउंट।
जबकि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो एवरेज जो है 82 to 92 मिली क्यूबिक और 82 to 98 फ्लूइड, ये नॉर्मल रेंज है। जबकि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है एवरेज वो 27 से लेके 31 पीएल तक होगी, जबकि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो रेड सेल वॉल्यूम जो है 32 to 36 ग्राम्स पर डे होगा। मैनेजमेंट कंप्लीमेंट्री पैरासाइट कंट्रोल करें, एंटी एंथेलमेटिक थेरेपी करें, 400 मिलीग्राम जो है वो आप सिंगल डोज अल्बेंडाजोल ले लें टू एलिमिनेट द वर्म्स, और चाइल्ड में ये जो है आप 200 मिलीग्राम पर डे सिंगल डोज दे सकते हैं, और प्रेगनेंसी में अल्बेंडाजोल जो है ना कंट्राइंडिकेटेड है, और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये दवाई अल्बेंडाजोल नहीं लेनी चाहिए, और आपको सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये आपको दे सकते हैं। मैनेजमेंट में आप डिटरमिन करें काज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, तो डेफिनेट अगर आपको लगता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया डेवलप हुआ है, तो फिर आप इसको आयरन को जो है ना रिकमेंड करेंगे, और एम जो है नॉर्मलाइज द हीमोग्लोबिन लेवल, रेड सेल जो है इंडाइसिस और फिर रिकम्प्लिश करेंगे आप आयरन को, और इंडिविजुअल को डिजीज स्पेसिफिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होगी। लाइफ स्टाइल जो है पेशेंट का वो आप आयरन डेफिशिएंसी डाइट में डालेंगे कि वो जो है ना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर टी कॉफी इनहिबिट करेंगे आयरन डेफिशिएंसी व्हेन कंज्यूम्ड विद अ मील और शॉर्टली आफ्टर अ मील, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना इज ऑल्सो पावरफुल एनहांसर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन from non-meat foods when consumed with a meal. Size of a vitamin C effects on iron absorption increases the quantity of the vitamin C in the meal. Germination or fermentation of cereals, legumes improve करें bioavailability of the iron जो है वो ज़्यादा करें, तो substance जो आप inhibit करें जो absorption iron की वो ना खाएं, और promote करें सपोर्ट करें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अबाउट 6 मंथ्स फॉलोड बाय ब्रेस्ट फीडिंग विथ एप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री फूड्स इंक्लूडिंग आयरन रिच जो है ना सेकंड ईयर में आप स्टार्ट करें। मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी में आप विटामिन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, एपोटीन अल्फा दे सकते हैं, प्रोक्रेट दे सकते हैं, एपोजिन दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में आप आयरन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर देयर इज एनीमिया तो प्रिवेंट आप हेल्दी ईटिंग करें, डाइट की अल्कोहल यूज बंद करें, और डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करें और रूटीन बुकिश वर्क करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द एनीमिक पेशेंट्स, सो यू हैव टू चेक द पेशेंट्स व्हेन एवर यू विल फाइंड देयर इज एनी एनीमिया symptoms, so you have to check by determination of the hemoglobin, determination of RBC count, and as well as you can determine by the volume of the cells to detect and investigate the hemoglobin. Thank you very much. You will share this lecture, and as well as you will also watch this channel, so that you must be aware about coming lectures. Thank you.